हेलो शिवानी स्टडी हब में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्र गौरव के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एमसीक्यू चैनल पर अपलोड किया है, वहां से भी आप देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें वीडियोस मैंने, और टेलीग्राम लिंक से ज़रूर हो जाएगा। वहाँ पर जितने भी वीडियोज़ हैं वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूँगी, जितने भी PDFs हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 10 अवतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ वॉज बिल्ड, मतलब यहाँ पर देवगढ़ के जो 10 अवतार मंदिर का निर्माण कब हुआ था। एट द टाइम ऑफ चांदेल, एट द टाइम ऑफ चोलास, एट द टाइम ऑफ चालुक्यास के, एट द टाइम ऑफ गुप्तास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, जो कि पहले का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गुप्तास के टाइम में, गुप्ता एज के टाइम में ही जो 10 अवतार टेम्पल है, याद रखिएगा, देवगढ़, वो गुप्ता के टाइम में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है द 23rd तीर्थंकर वॉज, अगर हम बात करें 23वें तीर्थंकर की तो वो कौन थे। नैमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी के, ऋषभनाथ, तो कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पार्श्वनाथ, तो बी ऑप्शन सही। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द टोटल राइट्स हैव बीन टोल्ड अकॉर्डिंग टू स्मृतिज, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार कितने बताए गए हैं, 15, 16, 17 की 18, तो कितने टोटल बताए गए हैं यहाँ पर अगर हम बात करें, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 बताए गए हैं। ठीक है, कितने, 16। क्वेश्चन नंबर फोर है, अनोदर नेम ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य का दूसरा नाम अगर हम बात करें तो कौन सा है। विष्णुगुप्ता है, राधे गुप्ता है, विशाखा दत्ता है कि राजगुप्ता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अनोदर नेम ऑफ कौटिल्य तो वो क्या है, विष्णुगुप्त, याद रखिएगा, विष्णुगुप्ता। फोर्थ नंबर है, इज रिवॉर्ड एज एन एजुकेशनल स्क्रेटमेंट, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, जो शैक्षिक संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है, क्या हो जाएगा। पहला देवरिया के कारागार में, मतलब उपन्यास संस्कार, फिर बी है आपका यहाँ पर, सॉरी उपन्यास संस्कार, दूसरा है वेदारम्भ, तीसरा है जातकम, और डी है केशान। तो किसको यहाँ पर शैक्षिक संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, दैट इज उपन्यास संस्कार। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं, शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, शहीद बिस्मिल वॉज हैंग देवरिया जेल में, इन द प्रिजन ऑफ बस्ती, इन द जेल ऑफ गोरखपुर के कारागार में, कि आजमगढ़ के कारागार में। तो शहीद बिस्मिल को कहाँ पे फांसी दी गई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, तो गोरखपुर के किस में, यहाँ पर कारागार में, इन द जेल ऑफ गोरखपुर, थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रिपब्लिक स्टेट, रिपब्लिक स्टेट इसमें से कौन सा नहीं है, गणतंत्र राज्य नहीं था, शाक्य, मल्ल, लिच्छवी की, कौशल। तो सेवन का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कौशल। क्वेश्चन नंबर एट है, द ऑथर ऑफ मेघदूत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास, सूरदास, कबीरदास की रविदास। तो अगर हम बात करें मेघदूत के लेखक कौन है, तो ये इसके लेखक कौन है, कालिदास, ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नाइन है, द प्रिंसिपल शेयर ऑफ द किंग इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन एशियंट इंडिया वॉज, 1/6, 1/8, 1/10 की 1/12। तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा कितना, 1/6, मतलब यहाँ पर पूछा गया है प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो कृषि उपज में राजा का जो सैद्धांतिक भाग कितना होता था, तो वो होता था 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, आस्तिक का अर्थ क्या होता है, थीस्ट जिसे हम बोलते हैं, वन हु बिलीव्स इन गॉड, बी है बिलीवर इन पुराण, बिलीवर इन मेमोरीज की, बिलीवर इन यहाँ पर आगम। तो जो आस्तिक का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, जो ईश्वर को जो मानता है, ठीक है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, द गोल्डन एज ऑफ इंडिया आर्टिस्ट, यहाँ पर भारतीय कला का स्वर्ण काल कौन सा है, मॉडर्न पीरियड में, गुप्ता पीरियड में, फिर समी क्या कहते हैं, शुंग काल में, कि सातवाहन काल में। तो जो गोल्डन एज ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, किस पीरियड को कहा जाता है यहाँ पर अगर हम बात करें, तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट है उपनिषद मीन्स, उपनिषद का मतलब यहाँ पर क्या होता है, गीत गाना, मतलब सिंगिंग सॉन्ग्स, बी है गिविंग नॉलेज, सी है समीप बैठना की व्यायाम करना। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, सिटिंग नियर, पास में बैठना, दैट इज उपनिषद का मतलब होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इन विच मंडल या ऋग वेद द फोर वनास वेयर मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर चारों जो वर्ड हैं उसमें उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ था, अर्लियर 9th, 10th की 5th, तो हुआ था यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9th। नेक्स्ट, नेम द ऑथर ऑफ रामायण, रामायण के रचयिता कौन है, तुलसीदास, कबीरदास, वेद व्यास की, वाल्मीकि। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाल्मीकि जो है इज द ऑथर ऑफ द रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट आर डिस्कस्ड इन द अर्थशास्त्र, मतलब कितने अर्थ यहाँ पर अर्थशास्त्र में कितने पार्ट्स ऑफ द स्टेट, मतलब बात करें यहाँ पर अर्थशास्त्र में जो राज्य में कितने अंगों की चर्चा की गई है, 1, 2, 3 की 7, तो यहाँ पर कितने अंगों की चर्चा की गई है, तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है 16, द वर्ड नेशन इज मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जो नेशन जो शब्द है वो सबसे पहले अगर हम बात करें कहाँ पर उल्लेखित हुआ था, तो यहाँ पर सबसे पहला है उपनिषद में, मतलब छानोद्य उपनिषद में, अर्थशास्त्र में, धर्मशास्त्र में, कि ऋग्वेद में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी बात ऋग्वेद में हुई थी, जो अर्थशास्त्र जो नेशन जो शब्द है। 17 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेदास, वेदास के कितने करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर पूछा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सबसे पहले जो आता है आपका यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद, तो बी ऑप्शन यही हो जाएगा सही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद। 18 है द ऑथर्स ऑफ द ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के अगर हम बात करें कि कौन है रचनाकार, पाणिनि है, वेदव्यास है, वेदन्यास है, ऋग्वेद ऋषि हैं, तो यहाँ पर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेदव्यास। नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हो कि राष्ट्रगौरव के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो जिसमें से 40 का 40 एमसीक्यू आपको एग्जाम में देखने को मिले और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको चाहिए, तो आपको माइनर कोर्स आप ले सकते हो, जो भी माइनर कोर्स आपके बचे हुए हैं, क्योंकि माइनर को आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो 8896914355 पर, और उस सारे माइनर कोर्स पे आपको 50% डिस्काउंट कर दिया गया है, जो कि पहले आपकी कॉस्ट थी 120, अब 60 हो गई है, तो इजली उसमें सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उस पीडीएफ में, और उसके डायरेक्टली आंसर्स भी दिए गए हैं कैसे आपको लिखना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी वहाँ पर दिए गए, जो कि अगर आप चाहते हो 40 में 40 क्वेश्चन सही करना तो आप उस कोर्स में ज़रूर हो जाओ, क्योंकि 60 रुपीज़ उसकी सिर्फ प्राइस है, काफ़ी बच्चों ने इस कोर्स में एनरोल किया है, आप भी एनरोल हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, द ऑथर ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है, पाणिनि, ये तो हो चुका है क्वेश्चन नंबर 18, कौन है यहाँ पर, वेदव्यास। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो 19 नंबर है, पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है, ए है मोक्ष, अर्थ, काम और धर्म, बी है वर्क, रिलीजन, वेल्थ एंड सेलिब्रेशन, सी है यहाँ पर अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष की, धर्म, अर्थ, कर्म की, मोक्ष, तो सही जो यहाँ पर हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर डी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, वेद का अर्थ क्या होता है, नॉलेज, लॉ की वर्च्यू, तो वेद का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है आपका, दैट इज नॉलेज, ज्ञान, ये ऑप्शन। ठीक है, बाकी के एमसीक्यूज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दें कि अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और जिस कोर्स पे भी आपको माइनर पेपर चाहिए तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, कोर्स में ज़रूर एनरोल हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को लिया हुआ है। ओके, थैंक यू।